कभी कभी आप अपनी जिंदगी में सबसे अच्छे लोगों से मिलते हो और कभी कभी सबसे बुरे। लेकिन मेरे मामले में मैं दोनों ही तरह के लोगों से एक ही साथ मिली। एक साल पहले मैं बहुत बड़ी आर्थिक तंगी से गुजर रही थी। मेरी मॉम ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से मर गई थी और मेरे सर पर बहुत सारा कर्जा छोड़कर चली गई थी। मैं एक लॉ कॉलेज जाने का सपना देख रही थी और ग्रेजुएशन के बाद मैंने सोचा कि मैं एक अच्छी लॉ कंपनी में काम करूंगी। लेकिन मेरे सारे सपने मॉम के मरने के बाद टूट गए थे। सच कहूं तो जितनी दुखी मैं अपने मॉम के जाने पर थी, उतनी ही दुखी मैं ये सोचकर भी थी कि अपनी जिंदगी को बदल पाने का मौका मेरे हाथ से निकल गया है। हर रात सोते समय रोने के बाद मैंने आखिरकार ये फैसला किया कि मुझे हालातों का सामना करना पड़ेगा। मैंने खुद से वादा किया कि मैं पूरे साल काम करके पैसे बचाऊंगी। शुक्र है हमारे पास अपना घर था और मेरे उससे जितना भी लगाव क्यों ना हो, लेकिन मेरे पास उसे बेचने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। उसे बेचकर कर्जा उतारने के बाद मेरे पास कुछ कपड़ों का ढेर और मेरी मॉम की एक पुरानी गाड़ी बची थी। मैं 3 रातों तक लगातार गाड़ी में सोई क्योंकि मेरे पास होटल जाकर रहने के पैसे नहीं थे। वो 3 दिन मैंने रोज नौकरी की तलाश की जो मुझे पैसे दे सके। 3रे दिन मुझे हार कर पास के डेनी रेस्टोरेंट में नौकरी मिल ही गई। वो एक फ्रंट डेस्क जॉब थी। पास के डेनी रेस्टोरेंट में वहां का मालिक रोड्रिगो बहुत ही गंभीर आदमी था जो अपने कर्मचारियों से ज्यादा बातचीत नहीं करता था। उन्होंने मुझे यूनिफॉर्म दी और कहा, इस जगह के 2 नियम हैं। पहला, तुम्हें हर कस्टमर का मुस्कुराकर स्वागत करना होगा, चाहे तुम इसे जबरदस्ती ही क्यों ना करो। और दूसरा, किसी भी हालात में तुम अपना आपा नहीं खो सकते। याद रखो, हमारे ग्राहक ही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। जरूर, मैं ध्यान रखूंगी। बढ़िया, कल मिलते हैं। मैं उस दिन बहुत खुश थी। अगली सुबह मैं निर्धारित समय से 5 मिनट पहले ही पहुंच गई थी। मैं इंतजार ही कर रही थी कि कब मुझे पैसे मिले और इसलिए मैं अपना काम बेहद ईमानदारी से कर रही थी। मैं कैशियर की नौकरी पर थी और चाहे जितने भी अजीब बुरा बर्ताव करने वाले या डरावने कस्टमर्स क्यों ना हों, मैं उनका मुस्कुराकर स्वागत करती। डेनीज में आपका स्वागत है, क्या आपका ऑर्डर ले सकती हूँ? वहां काम कर रहे बाकी लोगों का बर्ताव ही मेरे साथ अच्छा था। एक तरह से मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा था। शुक्रवार की व्यस्त शाम थी। रेस्टोरेंट में कस्टमर्स का आना जाना लगा हुआ था। लोगों को अपने परिवार और दोस्तों के साथ बैठकर खाता देख मुझे अकेलापन महसूस हो रहा था। मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरा ध्यान भटक गया था, लेकिन हाँ, मैं कहीं अपने ख्यालों में चली गई थी जब एक कस्टमर ने चिल्लाकर मुझे बुलाया, तो मेरा ऑर्डर लोगे या नहीं? उसकी आवाज इतनी ऊंची थी कि पास में बैठे कुछ कस्टमर्स ने अपना खाना छोड़कर उसकी तरफ देखा। मैंने फौरन खुद को संभाला और माफी मांगते हुए उससे कहा, माफ कीजिए मैम, डेनीज में आपका स्वागत है, क्या मैं आपका ऑर्डर ले सकती हूँ? जब मैंने उसे मैम कहकर पुकारा तो वो शांत हो गई। उसने थोड़ा चिड़चिड़ा चेहरा बनाया और फिर कहा, 1 कप सूप और हाँ, याद रखना कि मुझे सूप बिल्कुल गर्म चाहिए, एकदम उबलता हुआ। क्या तुम ये कर पाओगी बेवकूफ लड़की? मुझे बुरा लगा जब उसने मुझे बेवकूफ कहा, लेकिन याद है रोड्रिगो का नियम नंबर 2, इसलिए मैं शांत रही। मैं नकली मुस्कान के साथ अपना सर हिलाते हुए उसे हाँ कहा। ऑफ कोर्स मैम, क्या इतना काफी है? उसने मुझे ऊपर से नीचे तक अजीब ढंग से देखा और फिर कहा, क्यों, तुम्हें क्या लगता है कि मैं और कुछ खरीद नहीं सकती? नहीं नहीं, मैं बस ये जानना चाह रही थी कि क्या मैं आपकी और कोई मदद कर सकती हूँ। कस्टमर्स की हर जरूरत को जानना हमारा काम है। मुझे समझ नहीं आया कि ये सब चीजें कहाँ से आई, लेकिन जितनी अच्छी तरह हो सकता था मैंने उस सिचुएशन को हैंडल किया। उसने गुस्से भरी शक्ल में मेरी तरफ देखा और फिर कहा, बस मेरे लिए सूप लेकर आओ, याद रखना मुझे वो गरम चाहिए, बहुत गरम। जी जरूर, आप सीट पर बैठिए, मैं अभी आपका ऑर्डर लेकर आती हूँ। लेकिन उसने फिर भी सीट नहीं ली, बल्कि जवाब दिया कि मैं यही इंतजार करूंगी, मेरे ऑर्डर के साथ कोई गड़बड़ी मत करना बेवकूफ लड़की। ठीक है। मैं किचन में अपने शेफ जोई के पास ऑर्डर की स्लिप देने गई। मुझसे स्लिप लेने के बाद उसने हैरान होकर पूछा, सिर्फ एक बाउल सूप, बस इतना ही? क्या वो कस्टमर बेघर लगता है? नहीं, बल्कि वो तो बहुत बड़ी बुली लगती है। क्या सच में? ये तो सही नहीं है, क्या हुआ? ज्यादा कुछ नहीं, बस उसने मुझे इंसल्ट किया। दिखाओ कौन सी वाली है। किचन के दरवाजे से कैश काउंटर का एक कोना दिखता था। मैंने बड़ी ही सावधानी से उस औरत की तरफ इशारा किया। कोई जरूरत ही नहीं है उसका नाम पूछने की, ये जरूर कैरन ही होगी। किचन में खड़े हर शख्स ने उसका साथ दिया और ये देखकर अब मैं गंभीर और परेशान नहीं थी। जोई मुस्कुराया और उसने कहा, कल वीकेंड है और उसका मतलब ये है कि आज तुम्हें पैसे मिलेंगे, इसलिए कुछ घंटे और सह लो, ठीक है? उसकी तरफ से इतना नरम व्यवहार पाकर मैं मुस्कुराई और मैं काउंटर पर वापस गई और बाकी कस्टमर्स के ऑर्डर लेने लगी। तब तक जोई सूप बना रहा था। इन सब के बीच में मैं उसे बताना भूल गई थी कि कैरन को उसका सूप उबलता हुआ गर्म चाहिए था।
मुझे बस इतनी सी बात कहने के लिए दोबारा जाने की जरूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि मेरे पास पहले से ही बहुत कस्टमर्स खड़े थे। औरत सामने खड़ी होकर एक बास की तरह मुझे देख रही थी और फिर शायद उसे वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ गई। मैंने उसे मुड़कर रेस्टोरेंट के पब्लिक वॉशरूम में जाते हुए देखा। उसका सूप अगले 5 सेकंड्स में ही आ गया और मैं ये देखकर खुश थी क्योंकि ऑर्डर देने के बाद उसके साथ मेरा काम खत्म हो जाएगा। जितना मैंने सोचा था उसे उससे कई ज्यादा टाइम लग गया और जब वो वापस आई मैं एक आखिरी बार उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई और कहा, ये रहा आपका सूप मैम, आपका दिन शुभ हो। उसने मेरे हाथ से सूप का वो कप छीन लिया और मुझे ऐसा घूरने लगी जैसे मार डालेगी। फिर उसने उसका ढक्कन खोलकर चेक किया। उसके बाद जो हुआ उसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने कहा, ये गरम नहीं है, मुझे गरम सूप चाहिए था, क्या बकवास है ये। मैम प्लीज शांत हो जाइए। चुप रहो बेवकूफ लड़की। और अब जब मुझसे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने चिढ़ते हुए उससे कहा, मैम आप इस तरह मेरा अपमान नहीं कर सकती, ये ठीक नहीं है। क्या वाकई तुम मेरे लिए काम कर रही हो और तुम मुझे सिखाओगी कि काम किस तरह करवाया जाता है। मैं आपके लिए काम नहीं करती हूँ मैम, मैं डेनिस के मालिक के लिए काम करती हूँ। अगर आप चाहती हैं कि आपकी इज्जत की जाए तो पहले आपको भी मेरी इज्जत करनी होगी। जबकि मैं गुस्सा थी और उसे पलट कर जवाब भी दे रही थी, लेकिन फिर भी मैंने अपनी आवाज ऊंची नहीं की और ना ही उसे कोई अपशब्द कहे। उसकी आंखों में नफरत भरी थी। मैं उसका चेहरा देख सकती थी कि वो बुरी तरह से मुझे मारना चाहती थी, लेकिन मैं जानती थी कि वो ऐसा नहीं कर पाएगी क्योंकि आसपास बहुत लोग थे और वहां सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था। लेकिन फिर भी उसने कुछ भयानक किया। उसने अचानक सूप का कप उठाया, उसका ढक्कन खोला और वो सूप मेरे मुंह पर दे मारा। हालांकि वो बलता हुआ गर्म नहीं था, लेकिन वो फिर भी रूम टेम्परेचर से तो ज्यादा ही गर्म था। सूप के अंदर कमाल मेरी आंखों में चला गया और दर्द से चिल्लाने लगी, मेरी आंखें, मदद करो, मदद करो। सबने देखा कि क्या हुआ और उस औरत को अचानक से एहसास हुआ कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो पीछे मुड़ी और बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ भागने लगी, लेकिन तभी रेस्टोरेंट के मालिक रोड्रिगो ने बीच में आकर उसका रास्ता रोक लिया। मेरे साथ काम कर रही एक लड़की लूसी सीधे उस औरत के पास गई और उसे जोर का थप्पड़ मार दिया। मैं अभी पुलिस को बुलाता, एवा की मदद करो। रोड्रिगो ने 911 पर कॉल किया और कुछ कस्टमर्स मुझे वॉशरूम तक ले गए। मैंने अपने चेहरे पर ठंडे पानी के बहुत छींटे मारे, लेकिन उस वक्त मेरा चेहरा बहुत जल रहा था। पुलिस आई और उस पागल औरत को गिरफ्तार करके ले गई। जब रोड्रिगो ने मुझे गले लगाया तो मेरी आंख से आंसू आ गए। जिस तरह उसने मेरा साथ दिया, मुझे यकीन हो गया कि अगर इस दुनिया में बुरे लोग हैं तो अच्छे भी हैं। मेरी पूरी लाइफ मुझे सिखाया गया था कि मुझे एक शांत इंसान होना चाहिए। मुझे बताया गया था कि मुझे सबकी इज्जत करनी चाहिए और ये समझना चाहिए कि हर इंसान अलग होता है। मुझे किसी भी व्यक्ति की लड़ाई में पढ़ने की जरूरत नहीं है और ऐसा करने से मैं खुद भी किसी मुसीबत में नहीं फंसूंगी। अल मेरा बॉयफ्रेंड वो भी यही बातें सुनकर बड़ा हुआ था, इसलिए हम उन कपल्स में से भी नहीं थे जो किसी की लड़ाई देखने जाएं या फिर किसी गाड़ी का एक्सीडेंट को देखकर घायल लोगों को देखने की कोशिश करें। ऐसा करने की वजह से हमारी जिंदगी में शांति रहती थी और हम एक आसान जीवन जीते थे। लेकिन कभी कभी जब खतरा आपके दरवाजे पर दस्तक देता है तो होने को कोई टाल नहीं पाता। उस रात में और मेरा बॉयफ्रेंड काम से काफी थक कर घर आए थे और हम दोनों में से किसी को भी खाना बनाने का मन नहीं था। अर्ल घर में रुक कर चाइनीज ऑर्डर करना चाहता था, लेकिन मैं बाहर जाकर ताजी हवा लेना चाहती थी, इसलिए मैंने उससे अपने साथ डेनिस जाने के लिए मना लिया। वो थोड़ी दुविधा में था, लेकिन हम कुछ समय से बाहर नहीं गए थे इसलिए वो मान गया। जब हम पहुंचे तो बैठने के लिए हमने खिड़की के पास वाली एक जगह चुन ली, क्योंकि हमें एक दूसरे के साथ वक्त गुजारे हुए काफी टाइम हो गया था, इसलिए वो मेरे सामने बैठने की जगह पास आकर बैठ गया। हम अभी ये देख ही रहे थे कि क्या मंगवाएं, इतने में सामने वाली टेबल से आवाजें आने लगी, ये खाना बिल्कुल ठंडा है, क्या दिक्कत है तुम्हें? मुझे माफ कीजिए, मैं अभी किचन से आपके लिए। अच्छा तो अब तुम चाहती हो कि मैं भूखा रहूं? क्या तुम पागल हो? मुझे नहीं पता कि मैं आपको क्या कहूं सर, अगर आप चाहें तो आप कंप्लेंट डाल सकते हैं। क्या तुम मेरा मजाक बना रही हो? क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लगता हूं? मैं इस लड़की को अच्छी तरह जानती हूं। क्या तुम उसी औरत की बेटी नहीं हो जो बस स्टॉप पर काम करती थी, जिसको लोगों ने इतना मारा कि वो मर गई? अरे हाँ, ये बात तो न्यूज में भी आई थी। क्या तुम्हें यहाँ पर इसलिए नौकरी पर रखा गया है क्योंकि तुम अनाथ हो? क्या इसका ये मतलब है कि ये रेस्टोरेंट बेकार अनाथों को नौकरी पर रखता है? बहुत ही बड़ी बात है कि उन्होंने तुम्हारी माँ को इतनी देर से मारा। उन्हें तो उसे तभी मार देना चाहिए था जब तुम उसके पेट में थी। माफ कीजिए सर, मुझे बाकी लोगों का ऑर्डर देने जाना है। उन दोनों को इस तरह हंसते देख हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। हम हैरान थे कि कोई इस तरह कैसे बर्ताव कर सकता है।
लेकिन हमने उसे नजरअंदाज किया और अपने काम पर लग गए। उन दोनों का ध्यान अपने ऊपर आकर्षित करने का वो आखिरी चीज होगी जो हम करना चाहेंगे। तो उस दिन तुम पॉल से मिलने गए थे? हाँ हाँ, मैं कुछ समय के लिए उसके घर पर था। यह आश्चर्यजनक है कि उसका पेट कितना बड़ा हो गया है। ओ, क्या तुम्हारा मतलब है लूना? वो कितनी क्यूट डॉग है। वो बेहद खूबसूरत है और तुम उसे देखकर हैरान हो जाओगी, वो इतनी मोटी हो गई है। वो पॉल के साथ रहता है, मुझे कोई शक नहीं। हमारी बातचीत के बीच में रुकावट डालते हुए सामने की टेबल पर बैठा आदमी हमें गुस्से से घूर रहा था। क्या कहा तुमने? तुम किसे मोटा बुला रहे हो? सर, मैं आपको नहीं कह रहा था। अच्छा, तो अब तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? तुम्हें क्या लगता है कि पहले कभी किसी ने मुझे ये कहकर नहीं पुकारा होगा? इनका सर फोड़ दो नेड, मैंने इन्हें कहते हुए सुना है ये तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे। उस लड़की ने तुम्हें बदसूरत मोटा कहा। ओ हाँ, क्या तुम मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो, वो भी मेरी बीवी के सामने? हमें अकेला छोड़ दो, हमने तुम्हें कुछ नहीं कहा। तुम चुप करो, मैं तुमसे तब सलाह लूंगा जब मुझे खाना बनाना होगा। क्या चाहते हो? क्या भाड़ में जाओ, मैं कभी तुम्हारे मोटापे का मजाक नहीं उड़ाती, लेकिन मैं तुम्हें बदतमीज और घटिया बातें बोलने वाला इंसान जरूर बुलाना चाहूंगी। वो आदमी अब और भी ज्यादा गुस्से में आ गया था। उसका चेहरा लाल हो गया, उसकी नसें फूल गई थी और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो फट जाएंगी। उसकी आंखें इतनी ज्यादा लाल थी कि ऐसा लग रहा था जैसे उसे अभी अटैक आ जाएगा। बिना एक और शब्द कहे वो आदमी मुझे मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अर्ल ने मुझे बचाते हुए उसके हर बार को अपने ऊपर ले लिया। इन सब के बीच वो औरत उस आदमी को हमें मारते रहने के लिए बार बार उकसा रही थी। अचानक ये सब होना बंद हो गया। रेस्टोरेंट की सिक्योरिटी वालों ने उस आदमी को बाहर कर दिया और वो औरत उनकी बेइज्जती करते हुए पीछे पीछे जाने लगी। मैं रोने लगी और मैंने अर्ल को गले लगा लिया, वो भी काफी हैरान था। रेस्टोरेंट के सभी लोगों ने हमसे माफी मांगी और जल्द से जल्द हमारा खाना ले आए, लेकिन हम जानते थे कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। अपना खाना खत्म करने के बाद हम बिना मीठा खाए ही निकल गए। जाहिर है कि रात खराब हो चुकी थी। हे, उन हमलों से मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, वो जानवर तो मुझे मार ही डालता। मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, क्या इन चोटों ने तुम्हें भावुक कर दिया है? शायद, मैंने जितना सोचा उससे कई ज्यादा जोर से उसने मुझे मारा है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ पागल। मैं भी। और इन सबके बीच पलक झपकते ही वो दोनों पागल हमारे सामने थे। वो आदमी अर्ल के ऊपर चढ़ गया और उसका गला घोटने लगा। मार, मार डालो इस आदमी को। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं उस तरफ भागने लगी जहां वो दोनों आदमी लड़ रहे थे, लेकिन मैंने किसी को बंदूक की सुरक्षा खींचते हुए सुना और मैं रुक गई। जब मैं पीछे मुड़ी वो औरत मेरे सामने खड़ी थी, मैग्नम का इशारा मुझ पर करते हुए। तुमने अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं ना सिर्फ तुम्हारी छाती चीर दूंगी और तुम्हारा दिल अपने दांतों से बाहर निकाल दूंगी, बल्कि तुम्हारे आशिक में भी इतने छेद करूंगी कि मधुमक्खी का छत्ता भी उससे जलने लगेगा। पर होते हुए उस आदमी को अर्ल का गला घोटते देखने के अलावा और कुछ नहीं कर पाई। मैं बस यही प्रार्थना कर रही थी कि काश ये जल्द से जल्द खत्म हो जाए। तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे सबके सामने बेइज्जत कर सकते हो? तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बेहतर हो? उस लड़की को बचाकर हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे। क्या तुम जानते हो बच्चे कि हीरोज जल्दी मर जाते हैं? और तुम खुशनसीब हो कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ, वरना तुम मेरे हाथों मरने वालों में से पहले होते। वो आदमी और औरत ऐसा कहते हुए अपनी गाड़ी लेकर वहां से चले गए और मैं भागती हुई अर्ल के पास गई और रोने लगी। पुलिस ने हमसे कहा कि वो इन दोनों को ढूंढने में अपनी पूरी कोशिश लगा देंगे और हमें इंसाफ दिलवाएंगे, लेकिन अभी उनके पास उनके बारे में कोई सुराग नहीं है। लेकिन एक बात जो मैंने उन्हें नहीं बताई वो ये थी कि मेरे पास एक और प्लान है। उस रात जब वो वहां से भाग रहे थे तो मैंने उनकी गाड़ी का लाइसेंस प्लेट देख लिया था और वो मुझे याद था। पुलिस उन्हें कभी पकड़ नहीं पाई। मैं दोबारा कभी शांति से नहीं सो पाई। मैं उम्मीद करती हूँ कि एक दिन इंसाफ जरूर मिलेगा। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे घर से बाहर निकल जाओ अभी के अभी। मेरी गर्लफ्रेंड मुझे अपने घर के दरवाजे की तरफ धकेल रही थी। जेना बेबी सुनो, तो ऐसा नहीं है कि जैसा तुम सोच रही हो, प्लीज। मैं क्या तुम्हें लगता है कि मैं पागल हूँ? स्टेसी ने मुझे बता दिया है, उसने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? बाहर निकलो, मैं तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखना चाहती। जैसे ही मैं जेना के अपार्टमेंट वाले हॉलवे के आखिर तक पहुंचा, मैंने रुककर एक बार फिर से उसे मुड़कर देखा। बेबी, जेना ने मेरी बात सुनने की कोशिश भी नहीं की और मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। शुक्रिया स्टेसी। उस दिन काम खत्म करने के बाद मेरी गर्लफ्रेंड अपने घर के लिविंग रूम में मेरा इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसकी सहेली ने एक दिन पहले मुझे किसी और लड़की के साथ देखा था।
स्टेसी गलत नहीं कह रही थी, मैं एक सुंदर लड़की से मिला था, लेकिन बस उतना ही। मैं जेना से प्यार करता था, मैं हमारा रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन अभी उससे बात करने का सही समय नहीं था। खैर, मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए किसी होटल जाने से पहले मैंने कहीं जाकर खाने के बारे में सोचा। अब तक सूरज ढल चुका था और तब मैंने चमकीले पीले रंग का एक बोर्ड देखा जिस पर डेनिस लिखा हुआ था। वो सड़क की दूसरी ओर था। मैं अक्सर इस जगह पर नहीं खाता हूँ, लेकिन उस रात मैंने वहां जाने का तय किया। अंदर जाने से पहले मेरे सेल फोन बजने लगा। वो मेरे दोस्त आंद्रे का फोन था। और दोस्त, क्या तुम घर पर हो? नहीं यार, जेना ने मुझे घर से निकाल दिया। ओह, मुझे माफ करना दोस्त, मैं तुम्हारे घर के पास था, मुझे लगा शायद हम... मैं घर के पास वाले डेनिस पर हूँ, क्या तुम आना चाहते हो? हाँ हाँ, मैं तुम्हें थोड़ी देर में वहां मिलता हूँ। मैं अपने दोस्त का बाहर खड़े होकर इंतजार नहीं करने वाला था, क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी, इसलिए मैं डेनिस के अंदर चला गया। वहां ज्यादा भीड़ नहीं थी, इसलिए कुर्सी की बजाय मैं उनमें से एक जगह पर बैठ पाया जो सोफे जैसे दिखती है। थोड़ा वक्त निकल गया और मैं अब भी अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। एक समय मैंने डेनिस का दरवाजा खुलने की आवाज सुनी, इसलिए मैं ये देखने के लिए मुड़ा कि क्या वो मेरा दोस्त आंद्रे है जो अंदर आया है। लेकिन वो नहीं था, वो तो कोई पतली सावली लड़की थी जिसने लाल रंग का स्वेटर पहना हुआ था और उसके ऊपर काले रंग की जैकेट। स्वेटर के हुड ने उसका आधा चेहरा ढका हुआ था। मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर पाया। मैंने उससे अपना ध्यान हटाया और वापस अपने फोन में देखने लगा। जल्द ही मैंने अपनी तिरछी नजरों से देखा कि कैसे वो मेरे पास से निकली और फौरन सामने वाले सोफे पर जाकर बैठ गई। क्या तुम रास्ते में हो? ये उस लड़की की आवाज थी जो अपने फोन पर बात कर रही थी। जल्दी आओ प्लीज, वो लोग वाकई ऐसा कर रहे, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज। क्या तुम जिंदगी में कभी भी मेरी बात समझने की कोशिश कर सकते हो? मैं सच कह रही हूँ, मैं ठीक है, मुझे माफ कर दो। हाँ, मैं तुम्हारा यही इंतजार करती हूँ। अनजाने में मैं उस लड़की की तरफ बार बार देख रहा था। फोन पर बात करने के बाद उसने अपना हुड को चेहरे से हटा दिया और तब मैं उसको ज्यादा बेहतर तरीके से देख पाया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी दिनों से सोई नहीं है। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसकी बड़ी बड़ी आंखें वो बार बार घबराहट में इधर उधर देख रही थी। आखिर ऐसे हुआ क्या है, मैंने सोचा। अचानक उसकी नजर मेरे ऊपर पड़ी। उसके चेहरे पर डर और घृणा वाले भाव थे। क्या देख रहे हो तुम? हाँ, एक्सक्यूज मी, ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो। मैंने देखा तुम्हें, तुम मुझे ही देख रहे थे। क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, क्या तुम उनमें से एक ही हो? उनमें से एक? खबरदार जो मेरे करीब आए दो, मेरा एक दोस्त अभी आने ही वाला है, अगर तुमने कुछ करने की कोशिश की। वो लड़की इतनी घबराई हुई थी, वो बहुत ही उतावली लग रही थी और उसे बहुत पसीना आ रहा था। मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो लड़की, क्या? अचानक किसी ने दरवाजा खोला। Hey! क्योंकि मेरा दोस्त आ चुका था, इसलिए मैंने उस लड़की को नजरअंदाज कर दिया और अपने दोस्त से बातें करने लगा। लेकिन मैं अभी भी इस बात को दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। एक समय के बाद मैंने जब उसकी तरफ देखा तो वो लड़की हम दोनों को देख रही थी और काफी गुस्से में भी लग रही थी। क्या हुआ यार? मैंने वापस से आंद्रे की तरफ देखा। वहां वो एक अजीब सी लड़की है। अजीब सी लड़की? हाँ, तुम्हारे आने से पहले उसने मुझे काफी अजीब अजीब बातें कही और अब वो हमें घूर रही है यार। फिर अचानक हमारी बगल से एक मोटा गंजा आदमी निकला और उस लड़की के साथ जाकर बैठ गया। आखिरकार तुम अपने ही टाइम पर आए ना। विलो, तुम्हें ये सब करना बंद करना होगा, तुम्हें मदद की जरूरत है। मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हें जरूरत है। क्या तुम वाकई ये कह रहे हो? क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ, वो मेरा पीछा कर रहे थे। क्या वही वाली जो बात कर रही है? हाँ हाँ यार, ये तो लग भी पागल रही है। हाँ, पागल लड़की है। मेरे दोस्त और मैं जब उस लड़की को देख रहे थे तब अचानक उसने भी हमारी तरफ देखा। देखा, ये दोनों ही है वो। बुलाओ। क्या चाहिए तुम्हें? मैं पुलिस को बुला रही हूँ। क्या क्या बकवास है, तुम्हारी दिक्कत क्या है, क्या तुम पागल हो? रेस्टोरेंट में बैठा एक और लड़के ने फोन निकाल लिया और सब कुछ रिकॉर्ड करने लगा। डेनिस के उस रेस्टोरेंट में जोर की आवाज सुनाई दी और कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। मेरे सामने बैठी लड़की धीरे धीरे हिलने लगी, उसे चक्कर आ रहे थे। हालांकि मैंने जो भी किया वो खुद को उससे बचाने के लिए किया, लेकिन फिर भी उसे ऐसा देखकर मैं डर गया। हे, क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, मैं क्या मैं सही सुन रहा था? क्या वो हंस रही थी?
क्या? मैं जानती थी तुम मेरा पीछा कर रहे थे, तुम मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हो ना? क्या तुम्हें लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा मैं बेवकूफ नहीं हूं? क्या बकवास है? मैं पुलिस को बुलाऊंगी, तुम जेल में सड़ोगे। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हाँ हाँ, सब यही कहते हैं, लेकिन देखो मैंने तुम्हें पकड़ लिया, ये सब सच था। जिस तरह से वो हंस रही थी और खासकर जिस तरह उसकी आंखें बड़ी हो गई थी, उसे देखकर मुझे बहुत अजीब लग रहा था। चलो यहां से चलें। पीछे मुड़ते ही मुझे एहसास हुआ कि वो गंजा आदमी ठीक वहीं खड़ा था। सीधे खड़े रहो, कर्मचारियों ने पुलिस को फोन कर दिया है। जब पुलिस आई तो वो हमें पुलिस स्टेशन ले गई, जहां हमने सारी गलतफहमियां दूर की। उस गंजे आदमी ने जो कुछ भी हुआ सब कुछ बता दिया, और उसने इस बात का भी खुलासा किया कि विलो नाम की उस लड़की ने कुछ ही महीने पहले अगवा होने जैसी घटना का सामना किया है, जिसकी वजह से उसकी दिमागी हालत बिगड़ गई है। उसे लगता है कि हर अनजान आदमी जो उसे देख रहा है उस गिरोह का भागीदार है जिसने उसे अगवा करने की कोशिश की थी, और इसलिए उसे लगता है कि वो हमेशा खतरे में है। पुलिस स्टेशन से निकलते हुए आखिरी बार जब मैंने उसे देखा था तो उसके चेहरे पर परेशान करने वाले भाव मैं कभी नहीं भूल सकता।